अस्सलाम वालेकुम दिस आप नासिर जी डी स्टूडेंट नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 28 है जी। क्वेश्चन नंबर 28 में सिंपल वो कहता है सिंपलीफाई करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को वैसे लिख लेते हैं जैसे है, एज इट लिखते हैं इसको। जी नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा इधर भी एक्स, इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स, इसमें कॉमन लिया जाए तो हम एक्स इसमें कॉमन लेते हैं, पीछे रह गया एक्स प्लस वन। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में इस तरह से, और वन का स्क्वायर कर लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, वन की जितनी मर्जी पावर लेने वन ही रहता है। मैंने क्यों इसमें वन का स्क्वायर किया, क्योंकि मैं फार्मूला एक मुकम्मल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आ गया एक्स प्लस वन, ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है जी एक्स क्यूब प्लस वन, तो मैं इधर ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक्स रेज टू पावर थ्री और वन का अगर मैं क्यूब ले लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, वन की जितनी मर्जी पावर लेने वन ही रहता है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉर्म आ जाती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अगर आपके पास आ जाती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्केयर ए माइनस बी प्लस बी स्केयर, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर डिनोमिनेटर में हमारे आया एक्स एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में देखें फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, तो किसके इक्वल होगा फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट क्या है इधर एक्स और प्लस सेकंड, सेकंड यहाँ पर क्या है वन, फिर फर्स्ट माइनस सेकंड। नेक्स्ट एक्स प्लस वन, यहाँ पर देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब, वो किसके होता है फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट है यहाँ पर एक्स प्लस सेकंड। नेक्स्ट फर्स्ट का स्केयर, फर्स्ट यहाँ पर क्या है जी एक्स, उसका स्केयर करें, फिर नेक्स्ट माइनस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एक्स और सेकंड को मल्टीप्लाई करवाना है तो एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स यही आएगा, फिर सेकंड का स्केयर, सेकंड वन है, वन का स्केयर करें क्यूब करें तो वन ही रहता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट एक्स प्लस वन से कट गया, एक्स प्लस वन से कट गया, ऊपर हमारे पास रह गया एक्स और डिनोमिनेटर में रह गया एक्स माइनस वन, और साथ हमारे पास ये आ गया एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया, मज़ीद अगर सॉल्व करना चाहें तो उसको कर सकते हैं एक्स, और नीचे देखें एक्स को एक्स से एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्केयर आ गया, सॉरी एक्स को जब एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स क्यूब बन गया। नेक्स्ट एक्स को जब माइनस वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्केयर, नेक्स्ट एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन एक्स आ गया, ठीक हो गया। फिर माइनस वन को एक्स स्केयर से किया तो माइनस एक्स स्केयर, और फिर माइनस वन को माइनस एक्स से किया तो माइनस माइनस प्लस एक्स, और फिर माइनस वन को वन से किया तो माइनस वन, ठीक हो गया। ये नेक्स्ट आप इसको मज़ीद सॉल्व करने थोड़ा सा, यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको वैसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को, और यहाँ सॉरी ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर हमारे पास क्या आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, ये टू एक्स आ जाएगा, और लास्ट पे माइनस वन है, उसको हम वैसे लिख देंगे। ये मैं दोबारा स्टेप दोहरा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक्स क्यूब वैसे आ गया, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस दोनों का माइनस साइन साइन माइनस आएगा, इस कॉफिशेंट इसका वन, कॉफिशेंट इसका वन, वन और वन टू, टू एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, कॉफिशेंट वन वन टू एक्स हो जाएगा, और साथ माइनस वन लास्ट पर था उसको हमने वैसे लिख लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 1.1, मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।